एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जैसे कि आपको पता है, मैं अम्मी के घर पर आई हुई हूँ। आज तीसरा दिन हो गया अम्मी के घर पर मुझे, और लेकिन 3 दिन से हम कहीं नहीं गए। सैटरडे को, फ्राइडे को आई थी मैं, सैटरडे को हमने शॉपिंग वगैरह की, और फिर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी जोहान की, तो उस वजह से व्लॉगिंग नहीं की मैंने। तो आज हम जा रहे हैं मेरी खालाजाद बहन के सैमाबाजी के घर पर। उनको जानते हैं वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं उन्हें, मतलब सभी नहीं, कुछ लोग तो जानते ही हैं मतलब। और आज हम वहाँ पर, हमारी दावत है तो वहाँ पर करने वाले हैं हम दोपहर का लंच। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और दोनों बच्चे भी रेडी हो गए हैं, और चलते हैं। जोहान को दिखाती हूँ मैं भी, ऐसा लग रहा है जोहान को अभी भी नींद आ रही है। ये रहा मेरा नन्ना सा जोहान, रेडी हो चुका है जाने के लिए खाला के घर पर। जोहान इधर देखो बेटा, इधर देखो मम्मा की तरफ, इधर देखो, क्या देख रहे हो उधर जोहान? जब से जोहान आया है तबीयत ठीक नहीं थी आवाज जोहान की, अब माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है तबीयत ठीक है। बातें करूँ आपसे? नहीं मैं नहीं कर रहा बातें, अरे नहीं मैं नहीं कर रहा बातें, नानी करती है बातें मेरे बच्चों से। कैसे बातें करती है नानी? नानी बातें मिलाती है जोहान से। अफ़ान भी हो गया है रेडी, लेकिन अफ़ान गया है बाहर किसी काम से। अभी दिखाऊंगी अफ़ान को भी मैं। एवरीवन, सोहान का मूड सही नहीं है। ये जोहान फोटो के मूड में कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ, है नहीं मैं व्लॉग बना रही हूँ। जोहान क्या हो गया है भाई जोहान? हाँ हंस के दिखा दो, चलो हंस के दिखा दो बेटू, बेटू हंस के दिखा दो। और बेटे जोहान को आ रहा थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा जोहान। हाँ कर दो, अच्छा हाँ कर दो हाँ, गुच्छा आई है बेटी को, हाँ गुच्छा आ रही है। छलकी हिला रहा है नहीं भाई, छलकी हिला रहे हो। बाय जोहान भाई, मैं जा रही बाहर, चलोगे मेरे साथ? चल रहे हो, बताओ जल्दी चलो। तो प्यार हो रहा है खाला वांजे का, जबरदस्ती वाला प्यार। कह दे जोहान कह रहा है कैसी खाला है, बदतमीज, चुपकाए पड़ी है है जोहान। हाँ देखो भी हाँ कहा है जोहान ने, अच्छा हो रहा है कुछ को दे, देखो मुंह खोला पूरा, ये जबरदस्ती हो रहा है, जबरदस्ती प्यार, ये देखो। अरे छोड़ दे खाला, छोड़ दे और करना चाहता जोहान, बस 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 बहुत प्यार आज के। और यहाँ पर मेरा बेटू अफ़ान भी तैयार होकर बैठ गया है, है बेटी। और ये खा रहा है चॉकलेट बोल्स, ऐसे तो बोल दो हेलो गाइस, कैसे बोलता है अफ़ान? हेलो गाइस। आज मेरे बच्चे का मूड ठीक नहीं है ना, आज जब से सोकर उठा है मूड ख़राब हो रहा है। हेलो गाइस, गुस्सा आ गया एज, एज, नानू, नानू काम पर गए बेटे, नानू नानू रात को आएंगे ना, रात को सायमा खाला के यहाँ दावत। अफ़ान की तो खाला ही है, अफ़ान की आ जाओ ऊपर, आ जाओ इसका मुंह दोगे ना बना दिया मुंह। अच्छा अच्छी नहीं है, क्यों खा रही है? मत खा पानी, तुम बता रहे हो ये बता रहे हैं, इन्होंने तो शामली में आज तक खाई नहीं थी ऐसी, बता गया हूँ आज ना, पता है तुझे दिए आके पॉइंट दिए, बढ़िया नहीं अब और बढ़िया बने। अच्छा है फोटो वाला, लंच टाइम हो चुका है, यहाँ पर खाना खा रहे हैं हम लोग। बाजी ने बनाई है बिरयानी और कोरमा, खिला दिया बेटा, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है बेटा, सुभान अल्लाह। हमें एक प्लेट दे, हाँ बेटा क्या देना, कोरमा
करा था तो भाई मैंने एहसान करा था तो इसलिए भाई एहसान किस पे करा था कर लो। मैंने एहसान करा था दो चूहे के बच्चों पे। हाँ। तो दो चूहे के बच्चों पे क्या एहसान करा था कहने भाई मैंने उन्हें भीगते से बचाया और अपनी जिंदगी उनको जिंदगी देने के लिए पानी में से निकाल के बगलों में दबा लिया और वो बच्चों ने क्या करा बगल हमारे पर काट के निकल गए तो जो वो निकल गए तो मेरे पर में सुराख करके एहसान का बदला मुझे ये मिला। तो बकरी ने कहा तूने एहसान करा था ध्यान तो दे तूने एहसान करा था चूहों पे एहसान करा था शेर के बच्चों पे मैंने एहसान शेर के बच्चों पे शेर के बच्चों पे करा था और तूने एहसान करा चूहे के बच्चों पे। तो किसी के एहसान करने से पहले जब किसी पे एहसान करो तो उसकी कम से कम एहसान करने से पहले उसकी नस्ल तो देख लो पीछे की और निकाल लो कि इसकी नस्ल क्या है। अगर बगैर नस्ल के एहसान कर दिया तो उस एहसान को एहसान वो नहीं समझेगा। सही बात। एहसान जो होगा वो एक नस्ल वाला इंसान खानदानी इंसान होगा उस एहसान को वो समझेगा कि इसने मेरे ऊपर एहसान करा और उसने मेरी फांस भी निकाल दी तो तमाम जिंदगी उसकी कदर करेगा। तो बात यह है कि वो नस्ल को पहले उनने कहा तो नस्ल तो देख लेता कि चूहों की नस्ल पे एहसान कर दिया। तो कुल मिला के बात ये हुई कि किसी के बारे में भी जब एहसान तो कर दे लेकिन उसके बारे में ये देख ले कि इसकी नस्ल क्या है। मेरी बात खत्म हो गई। हाँ। बाजी के घर से आ चुके हैं हम क्योंकि ठंड ज्यादा हो रही थी इसलिए हम मगरिब से पहले ही आ गए थे और मेरा बच्चा बैठा है मेरी गोद में। ऐजान मम्मा की गोद में बैठे हो और बाजी ने दिया है मुझे गिफ्ट में सूट। थैंक यू बाजी। वो मतलब दे रही थी मैंने वीडियो नहीं बनाई और अब मैं दिखा रही हूँ कैसा सूट दिया उन्होंने मुझे अच्छा दिया है। थैंक यू बाजी सूट के लिए नदियों। ये रहा वो गिफ्ट बाजी की तरफ से। थैंक यू बाजी बहुत अच्छा गिफ्ट है। क्या हो गया है क्या हो गया मेरा फोन को यहाँ ठंड के मौसम की बनाई है अम्मी ने रस की खीर। बारह और जुहान एक बार सोने के बाद उठ चुका है और अब जागने वाला है जुहान काफी लंबे टाइम तक और अफ़ान गया हुआ है आज अपने पापा के पास रुकने वाला है रात को अफ़ान और अब जुहान को सुलाने की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं।